स्टूडेंट, दिस इज़ वर्कबुक पेज नंबर 40. फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट डेट एंड डे. दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन. अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट टेक्स द प्लेस ऑफ अ नाउन. प्रोनाउन ऐसा वर्ड है जो हम नाउन की जगह यूज़ करते हैं, और इसका फ़ायदा ये होता है कि जब हम किसी चीज़ के बारे में बता रहे होते हैं तो बार बार हमें उसका नेम नहीं लेना पड़ता, तो उसके लिए हम उसका शॉर्ट प्रोनाउन यूज़ कर सकते हैं. अभी उन्होंने बताया यूज़ ऑफ प्रोनाउन. ही किसके लिए यूज़ होता है? वेरी गुड, बॉय के लिए और आदमी के लिए. शी गर्ल के लिए भी, वुमेन के लिए भी. और इट, इट जो होता है ये यूज़ होता है बेजान चीज़ों के लिए और एनिमल्स के लिए. वन एनिमल हो, एक जानवर हो, कोई भी एक चीज़ हो, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ईट. जैसे यहाँ पे देखें, असद इज़ अ कुक. असद जो है वो बावर्ची है, वो खाना अच्छा पकाता है. ही इज़ गुड कुक. अब देखें उसके नेम की जगह हमने क्या यूज़ किया. बार बार तो नहीं ना लिखा असद इज़ अ कुक, असद इज़ अ गुड कुक. अब हमने उसके नेम की जगह यूज़ किया ही. तो ही जो है वो क्या हुआ? असद का प्रोनाउन. नेक्स्ट है दे. अब हम दे कहाँ यूज़ करते हैं? जहाँ पे ज़्यादा, वन से ज़्यादा चीज़ें हों. वन से ज़्यादा पर्सन भी हो सकते हैं, जगह के नाम भी ज़्यादा हो सकते हैं, एनिमल्स भी ज़्यादा हो सकते हैं. कोई भी दो या दो से ज़्यादा चीज़ें हों तो उनके साथ हमने क्या यूज़ करना है? प्रोनाउन दे. जैसे है द गर्ल्स नेट. अब यहाँ पे यूज़ हुआ है प्रोनाउन, नाउन यूज़ हुआ है गर्ल्स. अब ये गर्ल्स वन तो नहीं है, इसके साथ सर है, तो ये क्या है? ज़्यादा गर्ल्स हैं. तो अब हम उनके नेम की जगह क्या यूज़ करेंगे? दे. अब ये जो दे है ये गर्ल्स का क्या है? प्रोनाउन. स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्कल द प्रोनाउन दैट टेक्स द प्लेस ऑफ द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंसेस. कि यहाँ पे हमने प्रोनाउन जो होंगे उनको फाइंड करना है और उनको हमने सर्कल करना है. जैसे यहाँ पे नाउन देखते हैं पहले. मदर एंड फादर वर्क. कि मदर और फादर जो है वो वर्क कर रहे हैं, काम करते हैं. तो अब देखें कि हमने इसमें नाउन कौन सा है? मदर एंड फादर. अब ये वन नाउन है? नो, यस टू है. मदर फादर टू नाउन्स हैं. अब हमने जो टू या टू से ज़्यादा नाउन्स होंगे तो उनके नेम की जगह हम क्या यूज़ करते हैं? वेरी गुड, दे. दे वर्क वेरी हार्ड. तो अब हमने यहाँ पे ये जो दे है ये उनका प्रोनाउन है, मदर एंड फादर का. नेक्स्ट है मिस्टर अली फिक्सेस कार्स. कि यहाँ पे ही फिक्सेस ओल्ड कार्स. अब यहाँ पे मिस्टर अली के अंडरलाइन किया गया है. तो अब हमने जब बॉय होगा तो उसके नेम की जगह हम प्रोनाउन कौन सा यूज़ करते हैं? ही. तो अब हम इसमें से ही को सर्कल करेंगे. नेक्स्ट है रिदा सेल्स हैट. हैट से तो अब रिदा जो है ये नाउन है और इसको अंडरलाइन किया गया है. वैसे हैट्स भी नाउन है लेकिन अंडरलाइन उन्होंने जिसको किया है हमने उसका प्रोनाउन राइट करना है. और यहाँ पे है रिदा, तो रिदा का प्रोनाउन क्या होगा? वेरी गुड, शी. उसका प्रोनाउन क्या होगा? शी. नेक्स्ट है द टू गर्ल्स वॉक द स्कूल टुगेदर. अब यहाँ पे टू गर्ल्स हैं और जब ज़्यादा गर्ल्स हों तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं? दे. तो हम यहाँ पे दे को सर्कल करेंगे. माई सिस्टर मेक्स ड्रेसेस. अब माई सिस्टर के एक सिस्टर का नाम है तो हम इसके नेम की जगह क्या यूज़ करेंगे? शी. तो प्रोनाउन जो होते हैं वो हम किसी भी जो नेम की जगह वर्ड यूज़ करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? प्रोनाउन. तो इस तरह हमारा पेज नंबर 40 सॉल्व हुआ.